इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कुछ मकामी खबरें, जहां पूरे शहर में कोरोना कर्फ्यू जारी है, वहीं कॉरपोरेशन चुनाव की भी सरगर्मियां जारी हुई है। कॉरपोरेशन कमिश्नर जगदीश ने एक फोन मीटिंग तरफ फरमाकर महसूल महकमा को यह हिदायत दी है कि वोटर लिस्ट के कामों को जल्द अंजाम दिया जाए। वैसे भी कर्फ्यू की वजह से तमाम कामों को तो रोका ही गया है, लिहाजा कॉरपोरेशन आला अफसरान की जानिब से वोटर लिस्ट को मुकम्मल करने की इत्तला हासिल हुई है। लिहाजा कॉरपोरेशन महकमा के मुलाजमीन ने काम को जारी भी किया है, ऐसी खबर हासिल हुई है। वाज़ह रहे कि इस लॉकडाउन के बाद या आने वाले महीने में कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कॉरपोरेटर बनने के ख्वाहिशमंद हजरात जल्द गली मोहल्ले के भी चक्कर काट सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। एमपी चुनाव के बाद लॉकडाउन का दौर जारी रहा तो सभी उम्मीदवार रिलैक्स मूड में पाए जा रहे। उधर मंगला अंगड़ी पॉजिटिव पाए जाने की इत्तला हासिल हुई है। आने वाले 2 तारीख को नतीजों का ऐलान होने वाला है, लिहाजा जीत के बाद किसी तरह के जश्न पर पाबंदी आयद की गई। महज 2 लोगों के ही दाखिले का हुक्म दिया गया, लिहाजा नतीजे जाहिर होने की जगह पर भी कोरोना के मद्देनजर पाबंदियां आयद की गई है। जीत के बाद शराब कबाब की पार्टियों से महरूम होने का गम भी कईयों को हो रहा है, ऐसी भी इत्तला हासिल हुई। बढ़ते कोरोना मरीजों के मद्देनजर बिम्स के साथ दिगर 11 अस्पतालों में भी बेड की सहूलत का इंतजाम कॉरपोरेशन बेलगाम की जानिब से किया गया। कई सारी दवाइयों की कालाबाजारी बेलगाम में भी होने की खबर हासिल हो रही है, जिस पर सेहत महकमा नजर रखे हुए। कई डॉक्टर्स भी बेहिसाब रुपए ऐंठने की खबर हासिल हो रही है। मनमानी बिल लगाने वालों पर भी कार्रवाई का इशारा सेहत महकमा की जानिब से दिया गया, लिहाजा बेलगाम में बिम्स के अलावा 11 निजी अस्पतालों में भी बेड का इंतजाम किया गया, ऐसा कॉरपोरेशन बेलगाम की जानिब से कहा गया। आइए आज के अहम मौजू पर भी एक नजर। आज के मौजू पर बात करने से पहले यह वाजा करना चाहता हूं कि इत्तेहाद न्यूज़ किसी धर्म जात पात का तफरका करने का एजेंडा नहीं चलाता। हमारा नारा है इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार मौत। हमेशा इत्तेहाद इत्तेफाक की बात करना और इस मुल्क को जोड़े रखना, मुल्क के संविधान लोकतंत्र की हिफाजत करना, यही एक हमारा मकसद है। लिहाजा इसी के तहत कोशिशें जारी है। लिहाजा मुस्लिम समाज को संघ विचारधारा के तहत किस कदर निशाना बनाया जा रहा है और अब पिछले 6-7 सालों में गोया मुसलमानों को गाली देना ही राष्ट्रवाद बनता गया और यह कुछ ढका छिपा नहीं है। पर मुल्क में मोदी सरकार के मातहत इस एजेंडे को बड़े ही मुनज्जम अंदाज में चलाया गया। ये और बात है कि कुदरत को कुछ और मंजूर था, वरना जय श्री राम से लेकर राम नाम सत्य है तक का सफर सभी देख रहे हैं। और वैसे महज किसी एक सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, यानी कि मुसलमानों को बदनाम करने की जो साजिश चली, सिर्फ एक हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जितने भी इससे पहले इख्तदार पजीर थे वो भी हुकूमतें मुसलमानों को बदनाम करने में उतना ही हकदार है। लिहाजा एक सियासी पार्टी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा और इंसाफ भी नहीं होगा। मुस्लिम समाज को लेकर ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में एक एजेंडा चलाया गया। इस्लाम मुखालिफ ताकतों की जानिब से हर शोबे में मुसलमान को खलनायक बनाने की पूरी कोशिश की गई। इस्लाम खूबियों को पूरे दुनिया में महसूस किया गया। नमाज, कुरान, बुरखा, दावत सभी को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई। आपने पहले भी फिल्मों में देखा होगा कि फिल्म का अक्सर कोई गुंडा या खलनायक है तो उसे जानबूझकर पठानी लिबास में दिखाया जाता था। कहने का मतलब पहले से यह कोशिश, यानी कि एक जहन बनाने की कोशिश की गई कि मुसलमान है तो वो बुरे किरदार वाला या बद अखलाक, हमेशा मारपीट करने वाला, नशा शराब का कारोबार करने वाला वगैरह। खैर, अगर 20-25 साल पहले जब मोबाइल का दौर नहीं था तो फिल्मों के जरिए अपना फारिग वक्त गुजारते थे। अब जब रमजान चल रहा है तो पहले रमजान या बकरीद या किसी भी ईद पर फिल्मों को देखने का शौक भी मुस्लिम समाज में काफी हद तक था। यहाँ तक कि खवातीन भी ईद के दूसरे दिन थिएटरों में कसरत से देखी जाती थी। वक्त के चलते आजकल तो मोबाइल इंटरनेट ने सभी फैश फिल्मी वीडियोस को सभी के हाथ तक पहुंचा दिया। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका माशरे पे कितना असर हो रहा है, फैश कामों में मुलविस होने वालों की तादाद और इसी के मद्देनजर कितने फीसद तलाक में इजाफा हुआ, खैर यह एक अलग मौजू है। आज जिस मौजू पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हर दौर में मुसलमानों को बदनाम किया गया, अंडरवर्ल्ड स्मगलर, गुंडागर्दी, फिर आतंकवाद से जोड़ा गया। अब तो बम धमाके कम हुए हैं पर इस पर भी शक होता है कि क्योंकि क्या इख्तदार तक पहुंचने के लिए ही बम धमाके होते थे, आखिर सत्ता मिल गई तो धमाके भी बंद हो गए, क्या ऐसी बात भी आती है। पर मुस्लिम नौजवानों को
जेल में बंद करने का तो एक रिवाज ही पहले जारी हुआ था, और इसके लिए महज भाजपा ही जिम्मेदार नहीं है, उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस भी है। कहने का मतलब संघीय विचारधारा के लोग कांग्रेस में भी हैं, इसीलिए तो कोई भी पार्टी बदलकर यहाँ से वहां जाता रहता है। यही वो दौर रहा जब सीमी लश्कर जैश मोहम्मद के नाम से मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डालना शुरू किया गया। सैकड़ों मुस्लिम नौजवान आज भी जेलों में बंद है। बेलगाम के दो नौजवान आज भी दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम में 12 साल से जेल में बंद है। ये और बात है कि यह कौम और इस कौम के जिम्मेदार बेहिस है, वरना तो इसके बारे में भी बहुत जद्दोजहद हो सकती थी। खैर, अब मुस्लिम माशरे में एहसास ही खत्म होता जा रहा है। हर साजिशें किस तरह की गई इस मुल्क में, इसका एक मुख्तसर तस्करा कह लीजिए कि यह आपके सामने पेश करने की कोशिश है। किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया गया, भले वो कांग्रेस का दौर हो या किसी दूसरी सियासी पार्टियों का दौर हो। फिर मदरसों को निशाना बनाया और मदरसे आतंकवाद के गढ़ आए कि कहानियां गढ़ी गई। कभी तबलीग जमात को, कभी बरेली जमात को निशाना बना गया। उधर जाकिर नाइक को निशाना बनाकर मुल्क से भगाया गया और हम आपस में ही एक दूसरे पर काफिर का फतवा लगाते रहे। जाकिर नाइक पर इल्जाम लगाया तब भी खामोश रहे। मौलाना साद को निशाना बनाया गया तब भी खामोश रहे, क्योंकि यह मामला तो उस जमात का मामला है कि ज़ैनियत इस समाज की बनी हुई थी। खैर, ये तो महज अल्लाह का करम है कि इतनी सारी साजिशों के बाद भी यह समाज टिका हुआ, वरना तो मुसलमानों का कोई ऐसा अमल नहीं है जिस पर आसमान से अल्लाह के फरिश्ते नाजिल करें। अब मजलूम कौम को जुल्म सहने की आदत पड़ने लगी थी। हजारों फसादात के जरिए घरों तिजारतों को जान माल को निशाना बनाया गया। अक्सर पुलिस वालों पर भी एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम बार बार लगाया गया। अगर बड़े फसादात का जिक्र किया जाए तो बंबई, मुजफ्फरनगर, हाशिमपुरा और सबसे बड़ा फसाद अगर देखा जाए तो गुजरात का कत्लेआम। उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के वजीर आला थे और बड़े ही मुनज्जम अंदाज में मुसलमानों के कत्ले आम को अंजाम दिया गया। पूरे महकमों को इसमें खुलकर इस्तेमाल किया गया। यह खास बात रही और यही अदा शायद भारत के कुछ नफरत के सौदागरों को पसंद आई और इन्होंने आगे वजीर आजम बना दिया। और तब से इस मुल्क की कीमत महज मुसलमान ही नहीं चुका रहे बल्कि सभी समाज के लोग इसमें पीसे जा रहे। इन्हें धर्म मजहब का लॉलीपॉप दिया गया, मोदी को अवतार के रूप में पेश किया गया। अवाम को कहा गया कि हजारों साल बाद मोदी राम के अवतार में आए हैं और यही देश को हिंदू तहजीब से बचाने के लिए जमीन पर अवतारित हुए हैं। हिंदू खतरे में है, मुगल बादशाहों का बदला लेना है वगैरह बातें समझाई गई। भारत में जज्बाती लोगों की कमी नहीं है, खासकर धर्म के नाम पर इन्हें उकसाया जा सकता है, तो यह हुकूमतें भी आसानी से कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत से साबित होता है कि फिर राम मंदिर की तहरीक को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अगर चंदा भी मंदिर के लिए उठाना है तो मुसलमान समाज में डर खौफ पैदा करने के लिए एकाध फसाद को भी लाजिम किया जाता है। और जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पजीर हुए तब से तवील फहरिस्त है, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, मंदिर, तीन तलाक, एनआरसी, यहां तक कि मंदिर में जाकर पानी पीने पर भी मासूम मुस्लिम बच्चों को मारा जाने लगा। यानी जैसे पहले कहा गया था कि इन्हें दूसरा शहरी यानी दुय्यम नागरिकत्व बहाल किया जाए, फिर राम मंदिर के नाम पर चंदा लाखों करोड़ों रुपए, इससे पहले भी कई मरतबा चंदा उठाया गया था। कुछ मुट्ठी भर लोग धर्म के आधार पर अक्सर समाज को, अक्सरियत समाज को अपने काबू में लाने में कामयाब हो गए। मुस्लिम समाज को देश का दुश्मन बनाकर अक्सरियत को कुछ हद तक ही सही कामयाब जरूर हुए। बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत भी की पर यह आवाजें दबाई गई। मीडिया पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमाया गया। अब जब कोरोना का दौर जारी हुआ है तो इसी मीडिया के जरिए मुसलमानों के बारे में गलतफहमियों को भी आम किया गया। नोटों को थूक लगाकर कोरोना फैलाना, फ्रूट सब्जी के जरिए यहां तक के नर्सों के साथ बदसलूकी का भी इल्जाम लगाया गया। वही मुस्लिम टिपिकल कुर्ता टोपी की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। अदालत के जरिए फैसलों को भी बदलने का दौर जारी हुआ। 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों ने पूरी दुनिया ने देखा, पर अदालत के पास कोई सबूत नहीं था, लिहाजा सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बाद में उनका ख्याल भी रखा गया। ये और बात कहने का मतलब एक समाज को बर्बाद करने के चक्कर में देश की गरिमा को ही दांव पर लगा दिया गया। पर सवाल भी नहीं पूछ सकते क्योंकि बहुमत यानी अक्सरियत के साथ तारीखी जीत मोदी हुकूमत को दी गई थी। विपक्ष बिल्कुल कमजोर, इसके आवाज को कोई सुनने को तैयार ही नहीं, और वो क्या मुसलमानों पर आवाज उठाएगा, उसने भी तो वही किया था जब वो इख्तदार पर था। खैर, पिछले साल लॉकडाउन में मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए गए थे, फिर भी इस समाज की दाद देनी पड़ेगी। सैकड़ों हजारों मजदूरों को पानी, खाना, यहाँ तक रहने का भी इंतजाम करने वाला यही मुस्लिम समाज था।
यही मुस्लिम समाज के नौजवान थे जिन्हें गली मोहल्लों में आने से रोका जा रहा था। इन्हीं की वजह से कोरोना फैल रहा है। बहुत सारे खिदमात को इस समाज की तंजीमों ने अंजाम दिया, तब भी कोरोना से मरने वालों की लाशों को इनके घर के लोग लेने के लिए नहीं आते थे। ऐसे वक्त में भी मुस्लिम समाज के नौजवानों ने अंतिम संस्कार किए। एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर का खौफनाक दौर जारी है। मुस्लिम हर लिहाज से आगे बढ़ चढ़ कर आ रहा है। कई लाशें आज भी उठाने वाले नहीं है। हुकूमत खुद बेबस है, कोई एम्बुलेंस नहीं, ऑक्सीजन नहीं, लाशें घंटों घरों में पड़ी हुई है, कोई उठाने को तैयार नहीं। पर दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी मुस्लिम नौजवानों की कई तंजीमें अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पता नहीं और कितनी लाशें उठानी पड़ेंगी, कितने दिन, महीने या साल कोरोना का कहर रहेगा। पर जिस कदर इस समाज ने देश हित में किसी जात पात धर्म का तफरका न करते हुए कामों को अंजाम दिया है, काबिले तवज्जो है। ये तमाम चीजें कुदरत की जानिब से ही है। मुल्क गलत दिशा में जा रहा था, पर कोरोना कहर ने मुल्क में भाईचारे की फिजा को फिर से आम करना शुरू किया है। कोरोना सच है या झूठ है, साजिश है, बहस का मौजू हो सकता है, पर जलती लाशों की राख से भाईचारे की रोशनी नजर आ रही है। और यही हमारे देश की असल रूह है, यही भारत का असल लोकतंत्र है। इतना जरूर है कि भले ही कुछ मुट्ठी भर लोग जज्बाती मौजू के जरिए भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुदरती ने हर दौर में नाकाम करती आई है। लिहाजा कोरोना में बहुत कुछ गंवाया है तो भाईचारे की बुनियादों को मजबूत भी होते हुए देखा, और यही इन गहरे जख्मों पर मरहम की तरह है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।